आज हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाट इज मैक्रो। तो हम इसमें चलिए देखते हैं कि मैक्रो क्या होता है। अब ये सबसे पहले हमने वर्ड ओपन कर लिया है, तो मैक्रो क्या होता है। मैक्रो क्या होता है एक्चुअली कि जैसे मान लीजिए आपको कोई रिपीटेटिव वर्क करना है एमएस वर्ड में, तो फिर जो मैक्रो होता है ना वो हेल्प कर देता है हमको वो काम दोबारा करने से। वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रो, रन करा देते हैं, तो वो काम हमारा इजीली हो जाता है, हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब रिपीटेटिव टास्क को हमें मैनुअली करने के बजाय हम माइक्रो यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक टेबल बनानी है। अब एक कोई जनरल केस ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन का। तो मोबाइल फ़ोन का जैसे मल्टीपल ब्रांड के लिए आपको बनानी है मॉडल, रेट, इन सब की डिटेल, और किसी को सबमिट करनी है आपको। ठीक है, तो अभी हमें बनाना है, जैसे एक टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले व्यू में आएंगे, और यहाँ आपको दिख रहा है ना मैक्रो, मैक्रो में आए और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो जब हम करेंगे ना, तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, बटन और कीबोर्ड। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, ये बटन पे क्लिक करा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा हो गया मैक्रो नेम, इसको हमने यहाँ ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसमें आप कलर दे दीजिए, इसमें हम कोई कलर, ये जो भी है सिंबल वगैरह आप दे सकते हैं, जैसे हमने ये दे दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब ये हमारा यहाँ आ गया, आप देखिए, तो यहाँ से भी हो जाता है, लेकिन हम ये वाला तरीका नहीं यूज करेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं। अब एक तरीका तो हमने ये बता दिया आपको कि जब हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो ये बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरा है कीबोर्ड, कीबोर्ड पे क्लिक करा हमने। अब ये कह यहाँ कह रहा है कि प्रेस न्यू शॉर्टकट की, आपको शॉर्टकट की असाइन करना होगा अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, मैक्रो को रन करने के लिए। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए, इसमें मैक्सिमम कीबोर्ड में ना आपके जो की हैं वो असाइन हो रखे हैं, तो आप क्या करिए कि कंट्रोल शिफ्ट आल्ट इन तीनों को एक साथ लेके ही कोई कॉम्बिनेशन बनाइए। तो जैसे हम एक बना रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट आल्ट जेड, ये, और यहाँ पे आ गया अनअसाइंड। और अगर ए आल्ट और कंट्रोल और शिफ्ट इसमें से कोई एक ड्रॉप करके आप बनाएंगे तो वो पहले ही दिखा देगा कि असाइंड है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये हमने असाइन कर दिया, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम असाइन करेंगे, ये देखिए हमारा कर्सर कैसे चेंज हो गया, मतलब माइक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, और हमने ये टेबल ले लिया। अब जैसे हमने ये ऐसे टेबल बना लिया हमने, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, मॉडल, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, हम लिख देंगे रैम कितना है उस फ़ोन में, और रोम कितना है उस फ़ोन में, बैटरी कितनी है उस फ़ोन में, और कैमरा, ठीक है, कैमरा क्या है उस फ़ोन में, और उसके बाद हम प्रोसेसर के बारे में भी डिटेल दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर हम देख लेंगे रेट क्या है। ठीक है, अब ये हमने जैसे बना दिया, अब हम क्या करेंगे कि अपना जो माइक्रो जो रन हो रहा है ना, हम उसको व्यू में जाके स्टॉप करेंगे। यहाँ से हमने कर दिया स्टॉप, ठीक है, अब ये माइक्रो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब हम इस टेबल को कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये जो आपने बनाया है ये किसी एक ब्रांड के लिए है, अब हमें दूसरे ब्रांड के लिए बनाना है, तो हर ब्रांड के लिए तो मॉडल की लिस्ट बनानी ही पड़ेगी ना आपको। अब क्या करना है कि हमें बनाना है, तो ये हमारा हो गया कॉमन चीज़ें जो हर एक ब्रांड की लिस्ट के लिए सेम होंगी। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट जेड प्रेस करेंगे ना, ये देखिए ये हमारा आ गया, ये होता है मैक्रो। अब ये इतना हमें बनाना नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से मैक्रो रन करता है, ये हमने दिखा दिया आपको। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा तरीका आपको दिखा देते हैं। एक तो ये हो गया टेबल का, दूसरा क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए कि कोई नेम ले लिया आपने, अब नेम ले लिया, इसके आगे आपको मिस्टर लगाना है सारे के, और ये कम से कम 400 450 या 1000 नाम है, और उसमें आपको मिस्टर लगाना है, तो आप क्या करिए, मैक्रो पे जाइए, रिकॉर्ड मैक्रो करिए, और ये देखना है आपको कर्सर जो है वो नेम से जस्ट पहले होना चाहिए। कीबोर्ड असाइन करेंगे, इसमें भी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एक्स कर लेंगे, ये भी अनअसाइंड है, तो हम इसको असाइन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, मैक्रो हमारा रन करने लगा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको यहाँ मिस्टर टाइप कर देना है, अब और अपने एरो वाले की से, माउस नहीं यूज करना है, एरो वाले की से जहाँ जिस मतलब नेक्स्ट वाले नेम के जस्ट पहले आके और अपना माइक्रो स्टॉप कर देना है। आपने अपना ये माइक्रो जो है वो स्टॉप कर दिया, ठीक है, अब आपने स्टॉप कर दिया, अब आपको अब जैसे इतने सारे के लगाना है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एक्स, ये देखिए हो गया,
फिर नेक्स्ट में आएंगे ऐसे, इस तरीके से ये जो है वो आपका हेल्प कर देता है, अब हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा और ये हमारा काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से काम करता है मैक्रो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।